हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रियलेश चौबे और आप मुझे देख रहे हैं परफेक्ट केमिस्ट्री चैनल पर। सो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले थे कन्वर्जन के बाद से, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम लोग पहले जानेंगे कि मोल क्या है। मोल इज अ नंबर विच यूज टू मेजर लार्ज क्वांटिटी, सेम एज डजन, ठीक है। तो मोल क्या है, एक नंबर है जो कि यूज होता है बड़ी क्वांटिटीज को मेजर करने में, है ना। जैसे कि डजन को मेजर, डजन का इस्तेमाल होता है नंबर्स को मेजर करने में। जैसे आप केले वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया एक डजन केला दे दो, एक डजन इक्वल टू 12 आइटम। अब केला ही नहीं, जरूरी कुछ भी हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें डजन के अकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है। अब देखिए मोल में मापा किसको जाता है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। मोल में मापा जाता है एटम को, मॉलिक्यूल्स को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन और भी चीजें हो सकती है ना, जो भी काफी ज्यादा छोटी दिखने में हो, जिसे एक दो लेके स्टडी नहीं किया जा सकता। जैसे हम एटम को एक लेके थोड़ी स्टडी कर सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल टू स्टडी अ सिंगल एटम, ओके। मॉलिक्यूल को भी एक लेके नहीं स्टडी कर सकते, इलेक्ट्रॉन को तो बिल्कुल लो, प्रोटॉन को नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए इन्हें मोल में लिया जाता है, ठीक है। तो हमें पता हो गया है कि एक डजन कोई भी आइटम लीजिए आप, उसमें तो 12 आइटम मिलते हैं। ऐसे ही जब एक मोल आप कोई भी आइटम लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 6.023 × 10⁻¹⁰। ठीक, अब देखिए ये जो वैल्यू होती है ये अवोगैड्रो नंबर बोला जाता है, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है Na, ठीक। इसे हम लोग अगर रिफरेंस मान लें, क्या मान लें, 12 आइटम को रिफरेंस मान लें, एक डजन के लिए 12 आइटम को रिफरेंस मान लें, है ना, कि मतलब कोई भी आइटम अगर एक 12 होगा, ठीक है, तो वो एक डजन होगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, रिफरेंस। ठीक है, तो ऐसे ही अवोगैड्रो नंबर के लिए यानी एक मोल के लिए भी ये भी तो रेफरेंस हो जाएगा, 6.023 × 10⁻³, है ना, मतलब कि अवोगैड्रो नंबर रेफरेंस हो जाएगा, ठीक ठीक है। तो इसे भी हम लिख देते हैं आपके समझने के लिए, रेफरेंस, ठीक। तो देखिए अब आपसे कोई पूछा, ठीक है, कोई पूछा कि 36 बनानास इक्वल टू कितने डजन हुए, ठीक, 36 बनानास इक्वल टू कितने डजन हुए, तो आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे, डजन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, गिवन क्वांटिटी अपॉन रिफर्ड क्वांटिटी पर डजन, है ना, एक डजन की जो भी रिफर्ड क्वांटिटी है वो हम अकाउंट में कर देंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं नीचे निकल के, डजन इक्वल टू 36, गिवन क्वांटिटी, गिवन हमें क्या है 36, है ना, और अपॉन रिफर्ड क्वांटिटी पर डजन, पर डजन के लिए रिफर्ड क्वांटिटी क्या है, 12 आइटम, है ना, तो ये हो गया 12, है ना, कितने आ गए, 3 डजन, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए मोल निकालने के लिए आपको कोई बोल दे कुछ ढेर सारे एटम का नंबर दे दे, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या आयन या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है इसमें से, है ना, दे दे और कहे कि आप बताइए इसमें कितने मोल हैं, तो आप क्या करोगे, रिफर क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, यानी अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, यानी 6.023 × 10³³ से डिवाइड करोगे इसको। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ कंपैरिजन लिखे हुए, है ना, लिखा है 1 मोल इक्वल टू 6.023 × 10³³, दैट इज अवोगैड्रो नंबर, है ना, इक्वल टू एटॉमिक मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू आयनिक मास। अब थोड़ा सा समझेंगे, कहने का मतलब यह है कि अगर आप, ठीक है, 6.023 × 10³³, है ना, एटम ले लें, कोई भी एटम ले लो आप, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन सिलिकॉन, उन सारे एटम का जो वेट होगा 6.023 × 10³³ एटम ले लें तो उसे एटॉमिक मास बोला जाएगा। ऐसे ही 6.023 × 10³³ मॉलिक्यूल ले लें तो क्या बोला जाएगा, उसे मॉलिक्यूलर मास, ठीक।
ऐसे ही आयन ले ले 6.023 × 10^23 आयन ले ले तो क्या बोला जाएगा उसे आयनिक मास। मतलब कोई भी कंपाउंड अगर वन मोल हो तो समझ लो वो अपने एटॉमिक मास के बराबर हो या एटॉमिक वेट के बराबर है ना। कंपाउंड जैसे एटम हो तो एटम, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूल। अगर आपसे कहा कोई एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ठीक है, तो वो किसके बराबर है, अपने मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44, यानी 44 ग्राम है वो। जैसे हम लोग पढ़े थे क्या डजन निकालने के लिए, क्या नहीं पढ़े थे, इवन क्वांटिटी अपॉन 12 रिफर्ड क्वांटिटी। एक डजन पर डजन के लिए जो रिफर्ड क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, 12 होती है। ऐसे ही हम मोल निकालने का क्या फॉर्मूला बन गया इससे कि मास ऑफ एटम मॉलिक्यूल या आयन कुछ भी ले लीजिए आप तीनों को अपॉन एटॉमिक मास है ना, दैट इज मास ऑफ वन मोल एटम या फिर मॉलिक्यूलर मास, दैट इज मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल दैट मॉलिक्यूल, ओके, आयनिक मास, ओके, दैट इज मास ऑफ वन मोल ऑफ दैट आयन। समझ में आई बात। क्वेश्चन में आपसे कोई पूछ दिया कि कुछ एटम की क्वांटिटी दी गई है, जैसे आपसे पूछ दिया 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसका मोल ऑफ एटम बताओ, ये क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, बोलेगा ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन बताओ है ना। तो आप क्या करेंगे, 32 ग्राम अपॉन उसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 है ना, ठीक है, तो 16 रख देंगे है ना। अगर वही पूछेगा आपसे कि ग्राम मोल बताइए है ना, यानी मोल ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछेगा, पूछेगा ग्राम मोल बताओ। वो कैसे निकालेंगे आप, 32 अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 32, ठीक है। ऐसे ही आपसे ग्राम आयन पूछेगा, ठीक है, तो आयन और एटम एक ही चीज होती है ना, उसमें से बस इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन की मास को कंसिडर किया नहीं जाता है। अब एक चीज देखिए आप लोग, मैंने क्या लिखा है, 6.023 × 10^23 एटम इक्वल टू एटॉमिक मास, यहां से लिया मैंने 6.023 × 10^23 एटम इक्वल टू एटॉमिक मास। तो अगर हम कहें एटॉमिक मास इसके बराबर है तो क्या हम एटम का, एक एटम का मास इससे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 6.023 × 10^23 एटम इक्वल टू एटॉमिक मास दिया है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे एक एटम का मास निकालिए, तो एक एटम इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है, लिखा गया है 6.023। अब इसको मैं ऐसे लिख के, इसको ऐसे ना लिख के इंटू वन एटम लिख देता हूँ है ना। अरे ये भी तो एटम ही था, ऐसे लिख देंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, वन से मल्टीप्लाई हो जाएगी सारी क्वांटिटी वही रह जाएगी, इक्वल टू एटॉमिक मास। तो अब देखिए, अब इसको इधर ले जाएं तो एक एटम का मास नहीं निकल जाएगा, एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो ऐसे ही एक एटम का जैसे हमें मास निकल गया, ऐसे ही एक मॉलिक्यूल का भी निकल सकता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। आयन का भी ऐसे निकल जाएगा, एक आयन का आयनिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक। तो ऐसे ही तीनों फॉर्मूले आप लोग निकाल सकते हैं। ये हम लोग समझ चुके हैं कि जितने एवोगैड्रो नंबर के बराबर अगर आप एटम लेंगे तो वो एटॉमिक मास बोला जाएगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बोला जाएगा, और एवोगैड्रो नंबर के बराबर आयन लेंगे तो आयनिक मास बोला जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग बेहतर समझ चुके हैं कि इसे एटम के लिए निकालेंगे तो ग्राम एटम बोला जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे मोल को, ठीक है, तो ग्राम मोल बोला जाएगा, और आयन के लिए निकालेंगे तो ग्राम आयन बोला जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन में यही टर्म इस्तेमाल होंगे, ये नहीं पूछेगा कि मोल ऑफ आयन बताइए, मोल ऑफ एटम बताइए। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिसिटी, ओके, एटॉमिसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, एटॉमिसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। जैसे ये देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे ना, तो मॉलिक्यूल है तो इस कैसे होता है, ऑक्सीजन ऐसे होता है, ठीक है, तो कितने एटम है, दो एटम है, तो दो इसकी एटॉमिसिटी हो गई। नाइट्रोजन में कितने एटम है, तो यहाँ पे दो इसकी एटॉमिसिटी हो गई। इसमें कितने एटम है, कार्बन डाइऑक्साइड में दो ऑक्सीजन के और एक कार्बन के, यानी तीन हो गए इसकी एटॉमिसिटी है ना। फॉस्फोरस में कितने एटम है, चार है, तो चार हो गई इसकी एटॉमिसिटी,
ओके सल्फर में 6 है तो 6 हो गई इसकी एटॉमिसिटी, NO2 में कितने हैं 3 है तो 3 हो गई इसकी एटॉमिसिटी, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान टॉपिक है ना, लेकिन जानना जरूरी है क्वेश्चन में काम आएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा और रिलेशन है उसे देख लेते हैं, मोल ऑफ एटम इक्वल टू मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी, ठीक है। अब ये क्या है, ये हम सब सम्स करेंगे तो समझ में आएगा, है ना। जैसे आपको मोल ऑफ मॉलिक्यूल दे दिया है ना, और आपसे पूछ दिया मोल ऑफ एटम बताइए, और एटॉमिसिटी आपको पता चल जाए, है ना, तो आप आराम से मोल ऑफ एटम निकाल लेंगे। सम्स करते हैं, लिखा है इन अ कंटेनर 48 × 10^24 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट, देन फाइंड ग्राम मोल एंड ग्राम एटम। ओके, बड़ा सिंपल सा सवाल, सॉल्यूशन क्या है दिया है, हमें क्या दिया है, मॉलिक्यूल ऑफ एटम, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ, सॉरी मैंने एटम बोला था, नाइट्रोजन। ओके, इक्वल टू कितना दिया है 48 × 10^24। एक सबसे पहला वाला फॉर्मूला याद कीजिए एक बार, तो क्या निकालेंगे आप इससे, ग्राम मोल निकालेंगे। मैंने बोला था मोल का निकालना है तो ग्राम मोल निकालेंगे, और ग्राम मोल पूछा भी है देखिए क्वेश्चन में, है ना। तो ग्राम मोल इक्वल टू क्या होगा, गिवन क्वांटिटी यानी 48 × 10^24 अपॉन अवोगैड्रो नंबर। अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 × 10^20। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 × 10 आएगा, दैट इज 80, है ना। ग्राम मोल कितना निकल गया, 80, ठीक है। अब देखिए, अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ग्राम एटम निकालने के लिए, कैसे क्या निकालेंगे, ग्राम एटम। ग्राम एटम कैसे निकलेगा, क्या लिखा है, मोल ऑफ मॉलिक्यूल 80 × एटॉमिसिटी कितनी है, नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी होती है, हमें पता है एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 2, है ना, हमें पता है, तो 2 ऐसे लगा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 160, है ना, 160 ग्राम एटम नाइट्रोजन के लिए, है ना, ठीक है, आसान है, ऐसे ही सब।